एके अरोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आपको ऑटो रेंजिंग, जिसमें आपको रेंज है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है, 27 ऑटो VL से DC वोल्टेज मेजरमेंट करना सिखा रहा हूँ। DC वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए आपको पहले तो नॉब को, जो रेंज सिलेक्ट करने के लिए या फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए जो नॉब यूज की जाती है, उसको मैंने जो है वो ये एरो, अगर आप देखें तो ये एरो V के ऊपर डॉटेड लाइन और एक सीधी लाइन लिखा, यानी कि DC वोल्टेज का इंडिकेशन है। तो DC वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए V के ऊपर, जिसमें डॉट डॉट्स डैश बने हों और एक सीधी लाइन लगी हो, उसके ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपको कोई रेंज सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटो रेंजिंग DC मल्टीमीटर है। तो एक सेल की वोल्टेज देखना मैं सिखा रहा हूँ आपको, और इसी टाइप से जो प्रॉब्स हैं वो ब्लैक तो कॉमन में लगा लिया आपने, और रेड वाली आपने वोल्ट ओब्लिक ओम में लगा ली। तो DC वोल्टेज में बैटरी का नेगेटिव आपको अगर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बैटरी का नेगेटिव मैंने यहाँ बैटरी का नेगेटिव लगाया, और ये दूसरी साइड में ये 1.5 वोल्ट का सेल है एक्चुअल में, तो रेड मैंने जो है वो पॉजिटिव को लगाया, और उसके बाद रीडिंग देख रहा हूँ मैं। तो ये रीडिंग आ रही है 1.651, और राइट साइड में अगर देखें आप, ये देखो ये V दिखा रहा है वोल्ट, यानी इसकी जो ओपन सर्किट जो है वो बिना लोड लगाए इस सेल की जो वोल्टेज आ रही है 1.650 वोल्ट आ रही है। अभी मैंने जो है वो ब्लैक को जो है वो नेगेटिव पर लगाया और रेड को पॉजिटिव पर लगाया। बाई मिस्टेक यदि मैं उल्टा कर देता हूँ तो कैसे पता लगेगा आपको? तो मैंने अब उल्टा कर दिया, ब्लैक को मैंने पॉजिटिव पर लगा दिया, तो ये देख रहे हैं कि वोल्टेज उतनी ही, लेकिन आगे जो है वो एक डैश लगा हुआ नेगेटिव आ गया। यानी आपने, इसका मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव की जगह प्रॉब को नेगेटिव वाली जगह लगा दिया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दिया। इस मीटर में जब भी कभी भी ये रेंज से ज्यादा अगर रीडिंग होगी तो ओवरलोड OL लिखा आ जाएगा, ये ध्यान रखें आप। तो इस वीडियो में मैंने आपको DC वोल्टेज मेजरमेंट करना सिखाया। DC वोल्टेज के लिए कोई रेंज आपने सिलेक्ट नहीं की, रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाती है। तो नॉर्मल जो है आप सेल या बैटरी जो की वोल्टेज अगर देखनी है आपको, या जो अडोप्टर्स आते हैं मोबाइल्स के, उसकी DC वोल्टेज चेक करनी है, तो इससे बड़े आसानी से आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट, क्वेरी या फीडबैक हो तो जरूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।